नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वारा लगातार तानाशाही रवैया जारी है और बीएसएससी ने जो नोटिस जारी किया है उससे स्पष्ट होता है कि बीएसएससी इस बहाली को पूरा करना नहीं चाहती है और बीएसएससी चाहती है कि ये बहाली लटक जाए, इस बहाली पे रोक लग जाए। क्योंकि बीएसएससी ने जो नोटिस जारी करके कहा है कि 2014 या उससे पहले का डॉक्यूमेंट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, नन क्रीम लेयर, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, इस सब का सर्टिफिकेट, तो इस आधार पे कभी भी ये बहाली पूरी नहीं हो पाएगी। 53,000 स्टूडेंट्स को भी बुला लिया जाए तो भी सीट फुल नहीं होगा। और विज्ञापन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि 2014 वाला चाहिए। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि पीटी का फॉर्म भरते समय आपको जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर दक्षता, एमएस ऑफिस या टाइपिंग सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपको काउंसलिंग के समय ये सब चीज उपलब्ध कराना है। तो उसमें तो कहीं नहीं लिखा था कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले तक ये सब सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ होना चाहिए था, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। लेकिन अब नोटिस जारी करके कहा जा रहा है कि काउंसलिंग में आपको 2014 के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले तक का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीएसएससी को भी पता है कि 99% स्टूडेंट्स के पास ये सब सर्टिफिकेट 2014 या उससे पहले का बना हुआ नहीं है, और इसीलिए जानबूझकर ये मांग किया जा रहा है ताकि लोग उपलब्ध नहीं करा पाएंगे और उनको काउंसलिंग के बाद बाहर कर दिया जाएगा और सीटें खाली रह जाएगी। और जिन लोगों को बाहर किया जाएगा वो लोग कोर्ट में चले जाएंगे, निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे, क्योंकि विज्ञापन में जब नहीं लिखा हुआ है तो फिर ये मांग कैसे कर सकते हैं? विज्ञापन से बाहर जाकर कोई भी काउंसलिंग नहीं होती है, विज्ञापन के अनुसार ही काउंसलिंग होती है, विज्ञापन के अनुसार ही बहाली संपन्न होती है। तो जैसे ही विज्ञापन से बाहर जाकर ये काउंसलिंग करवाएंगे तो जिन लोगों को बाहर किया जाएगा वो लोग कोर्ट चले जाएंगे और जिस जज साहब के बेंच में इस केस की सुनवाई होगी उनका रिकॉर्ड देखिए कि जो भी अभी तक केस उनके पास गया है, जहां भी गलती लगा है, उन्होंने बहाली पे रोक लगा दिया है, बहाली को ही कैंसिल कर दिया है। तो आप लोग सोच लीजिए कि अगर इस मामले में भी कोर्ट में लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से इस बहाली पे रोक लग जाएगी और काउंसलिंग को ही कैंसिल कर दिया जाएगा और हो सकता है कहीं ना कहीं कि इस बहाली को ही ना रद्द कर दिया जाए। तो इसलिए आप जितने भी 53,000 परीक्षार्थी हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और बीएसएससी जो साजिश रच रही है उस साजिश से बचिए, क्योंकि बीएसएससी और नीतीश सरकार जो है जानबूझकर ये साजिश कर रही है कि छात्रों के बीच फूट डालो और धांधली करो और बहाली को पूरा नहीं होने दो। बहाली को पूरा करना इनका मकसद ही नहीं है। तो इसलिए जो लोग भी हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग जो भी हैं, सभी लोग 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए और बीएसएससी को उसी की भाषा में आप जवाब दीजिए, क्योंकि बीएसएससी ऐसे सुनने वाला आप नहीं है। ये लातों के भूत बातों से नहीं भागते, वही बात है, ये लोग ऐसे नहीं अब सुधारने वाला है, इसको सुधारना पड़ेगा और उस बीएसएससी को उसी की भाषा में आप जवाब देना पड़ेगा। और जो भी जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं वो ये मत समझिए कि ये ओबीसी और एससी का बात है, क्योंकि टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र आप लोग जनरल कैटेगरी वालों पर भी तो लागू होता है ना। जनरल कैटेगरी के लोग भी तो फॉर्म भर रहे हैं इस सब चीज के लिए ना, जाति के लिए, नॉन क्रिमिलियर के लिए, चलिए कि ये ओबीसी की बात है या जाति प्रमाण पत्र है तो एससी एसटी की बात है, लेकिन टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता इस सब के लिए तो जनरल कैटेगरी के लोगों ने भी फॉर्म भरा है। तो ऐसी परिस्थिति में सबको नुकसान होना है और जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने के आधार पर या कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र नहीं, 14 वाला नहीं रहने के आधार पर अगर बाहर किया जाएगा तो ये लोग कोर्ट चले जाएंगे, तो पूरी बहाली प्रक्रिया ही रुक जाएगी। तो फिर किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, सबकी बहाली रुक जाएगी, सबकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी, तो सबको नुकसान होगा। और जो लोग इस काउंसलिंग लिस्ट में शामिल नहीं है उनको भी आना है, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट तभी जारी होगा जब हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, नहीं तो काउंसलिंग का सेकेंड लिस्ट भी ये जारी नहीं करेगा। और कट ऑफ जारी होना चाहिए था, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी होना चाहिए था, रैंक लिस्ट जारी होना चाहिए। तो आप सभी लोग आइए, जो 53,000 परीक्षार्थी है सभी लोग से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग आपस में बटिए मत, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, आप सभी परीक्षार्थी आइए 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए